अर्चना गौतम एक्सपोज शालिन भनोट्स गेम। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, बुरी तरीके से उधेर की रख दी अर्चना गौतम ने शालिन भनोट की गेम और साफ साफ एक्सपोज कर दिया। तो हमने सबसे पहले तो ये देखा, क्या देखा, बात करते हैं पहले। भाई निवेदन, अगर अभी तक भी आपने आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो अर्चना गौतम ने सबसे पहले तो जो बिग बॉस ने विशेष अधिकार दिया उसके चलते रूम शेयर किया किसके साथ? शालिन भनोट के साथ। क्यों? और उसने कहा इसके लिए क्या, क्योंकि ये जल्दी सो जाता है, इसके लिए जल्दी सोना मेरे को नसीब मिलेगा। लेकिन भैया वो तो कहीं भी सो नहीं रही, वो तो शालिन भनोट के साथ बतिया रही है, यानी कि बातें कर रही है। और यहां पे वो कहती है शालिन भनोट को, देख तेरा पहला टारगेट तो सौंदर्य ही थी और तू टीना के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, ये मजबूरी का प्यार है जो तू टीना के साथ कर रहा है। शालिन भनोट कहता है नहीं नहीं नहीं, वो भी मेरी दोस्त है, प्यार व्यार तो कुछ भी नहीं है। बोली ना ना ये मत कह, क्योंकि वो कहती है कि शुरू से तू टीना सौंदर्य के पीछे लगा हुआ था और मैं शर्त लगाने को तैयार हूं, अगर आज टीना चली जाती है तो फिर सौंदर्य के पीछे तू भागेगा, कोशिश करेगा, ट्राई करेगा। वो तो तेरे बस का नहीं था सौंदर्य को गौतम ले उड़ा, तो इसके लिए तेरी मजबूरी थी। टीना के साथ, सुंबुल के साथ भी तूने शुरू किया लेकिन अब्बा आ गए, और ये सौंदर्य तुम्हारी प्रायोरिटी थी, ये मैं तेरे को लिख के दे दूं। क्योंकि दोस्तों अब बिग बॉस के घर में शालिन भनोट जो है टीना से भी पीछे कदम हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीना ने साफ इनकार कर दिया कि भैया मैं कैमरे के सामने मैं रोमांस नहीं करूंगी। और कहीं ना कहीं शालिन भनोट इसी तरीके से जो है आगे गेम में आगे जाना चाहते हैं, और ये तरीका उससे भी बेहतर तरीके से कह दूं या क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, गौतम ने कर दिया। अब जो गौतम और उसकी सौंदर्य का कपल है, जो सबसे जो जोड़ी कही जाती है, जो कि पॉपुलर है, क्योंकि टीना और शाह की तो समझ में नहीं आती है जोड़ी है कि नहीं है। कई बार बिग बॉस के बाहर तो ये सब चीजें वैसे ही करते हुए दिखाई देते हैं, बातें भी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब टीना ने कहा कि नहीं नहीं कैमरे हैं, इतने कैमरे हैं, कैमरों के सामने नहीं, भैया कैमरों के सामने ही करना पड़ेगा क्योंकि बिग बॉस के घर में कैमरे तो हर जगह लगे हुए हैं। लेकिन शाह ये नहीं चाहता है, और टीना उन लड़कियों में से भी नहीं है कि भैया शाह के साथ बाथरूम में चली जाए बाइक बार रख के, वो भी टीना नहीं करेगी, क्योंकि टीना की एक पर्सनैलिटी है, टीना की एक ग्रेस है। तो इसके लिए शाह पीछे हटेगा। अर्चना गौतम ने ये पूरी गेम को बूझ के ये मानना पड़ेगा कि नेता दिमाग तो है अर्चना गौतम ने। कि आपका इसके बारे में क्या कमेंट है, क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।